नमस्कार दोस्तों, ईएनटी समाधान में आप सभी को फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जेगो ओरी फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इंडिया। आज हम बात करेंगे साइलेंस पेंडेमिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कोविड का जो सिचुएशन जो चल रहा था, हमारा सोसाइटी में भी साइलेंस पेंडेमिक चल रहा था, और वो है ड्रग एडिक्ट्स और जो सब्सटेंस यूजर्स का पॉपुलेशंस भी बढ़ रहे थे। वो सिर्फ नहीं, जो जो रिकवरी हो रहा था उनका जो दोबारा यूज़ करना रिलैप्स केस, वो भी काफ़ी बढ़ गया है इस पेंडेमिक में, और जो ओवरडोज होके काफ़ी लोगों का जान भी जा चुका है। नॉट ओनली दैट, जो ड्रग रिलेटेड सुसाइड केस भी काफ़ी रिपोर्ट किया गया है हमारा इंडिया में और अन्य देशों में। तो इसलिए आज हम बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम जो चल रहा है हमारा अरुणाचल प्रदेश में या फिर अन्य स्टेट में और अन्य देशों में, इसको हम किस तरह से टैकल करेंगे। ड्रग एडिक्ट्स का क्या क्या कॉजेज हो सकता है? सबसे पहले बायोलॉजिकल कॉज। बायोलॉजिकल कॉज में क्या होता है कि जब हम रिपीटेडली ड्रग को यूज़ करेंगे, एनी सब्सटेंस को, कि वो हमारा ब्रेन में नर्व में कुछ चेंजेस ला देता है, और वो चेंजेस जो है ड्रग को छोड़ने का बावजूद भी वो रह जाता है। और सेकेंड कॉजेस है साइकोलॉजिकल, और ये साइकोलॉजिकल जो है स्पेशली जो हमारा स्टूडेंट्स ग्रुप है, स्कूल गोइंग किड्स है, कॉलेज स्टूडेंट वगैरह है, यंग एडल्ट्स लोगों को जो हमारा डे टू डे स्ट्रेस जो फेस कर रहा है उसको कोप करने के लिए उन्होंने ये ड्रग को यूज़ करता है। उसके बाद थर्ड रीज़न है अ सोशल रीज़न, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फैमिली प्रॉब्लम, जो पेरेंट है, सेपरेटेड पेरेंट्स है, उसका बच्चा में बॉन्डिंग जो है कम हो जाता है, बॉन्ड जो है उसका डिवाइड हो जाता है। उसके बाद सिबलिंग और उनका बीच में भी कुछ कन्फ्लिक्ट आ जाता है, जिसका कारण से वो बच्चे जो है लेफ्ट आउट फील करता है, ऐसा करके ड्रग का सहारा लेता है। उसके बाद पीयर्स प्रेशर। पीयर्स प्रेशर मीन्स जो दोस्त जो ले रहे हैं वो अपना दोस्त को प्रेशर देता है कि मैं भी ले रहा हूँ, आप भी ले लीजिए, कुछ नहीं होगा, इस तरह से उनका बीच में बातें होता है। उसके बाद अर्ली यूज़ ऑफ मेडिसिंस, ड्रग्स, जैसे कोई लड़का है छोटा से कुछ मेडिसिंस यूज़ कर रहा है ट्रीटमेंट के लिए, तो वो बाद में जा जा के एडिक्ट हो जाता है एडल्ट में। उसके बाद यूजिंग ऑफ हाईली एडिक्टिव ड्रग्स, जैसे कुछ बीमार का वजह से या कुछ प्रॉब्लम का वजह से जो हाईली एडिक्टिव ड्रग है उनको दिया गया है, जैसे ओपियोड्स जो पेन किलर वगैरह है जो एडिक्ट होता है उसको, वो सब दिया गया है, वो भी जाके बाद में एडिक्ट में चेंज हो सकता है। उसके बाद जो हमारा बच्चे लोग जो फील करता है कि लोनलीनेस, ये लोनलीनेस जो है स्पेशली एक्चुअली ये इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ही रूम में कन्फाइंड होके जो बैठ रहा है वो लोनलीनेस नहीं है। उनका नज़रिया में लोनलीनेस मीन्स ये जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहा है, फैमिली प्रॉब्लम या फिर दोस्तों का प्रॉब्लम या फिर एनी टाइप ऑफ जो स्ट्रेस डे टू डे में जो मिल रहा है, वो सिर्फ हम मिल रहा है, बाकी लोग कोई भी नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से जो फीलिंग है उसको बोलता है लोनलीनेस, और वो इमेजिन करके जो बैठता है कि जैसे अभी हम सोशल मीडिया वगैरह में जो ज़्यादा एग्जेजरेटेड करके लाइफ को दिखाया गया है, वो जो सेलिब्रिटीज़ लोग जो लाइफ जीते हैं उसको हम सोच के बैठता है हमारा लाइफ भी ऐसा होना चाहिए, हमारा लाइफ क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, जबकि जो लाइफ का जो ट्रूथ है वो डिफरेंट है। तो ये सब कन्फ्लिक्ट का वजह से हमारे बच्चे जो है ड्रग का सहारा लेता है। नाउ हाउ टू सस्पेक्ट ड्रग एडिक्ट, कैसे आप पता चलेगा कि आपका बच्चे जो है ड्रग एडिक्ट है, क्योंकि वो कभी नहीं बताएंगे कि आप मैं ड्रग ले रहा हूँ, पेरेंट्स को कभी नहीं बताएंगे, लेकिन आप उसको ऑब्जर्व करके पता कर सकता है कि डाउट कर सकता है, सस्पेक्ट कर सकता है कि मेरा बच्चा शायद ड्रग यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले स्कूल प्रॉब्लम्स, स्कूल में वो फ्रिक्वेंटली स्कूल को मिस करेंगे, उसके बाद सडनली स्कूल का जो एक्टिविटीज़ है उसमें डिसइंटरेस्ट होंगे,
उसके बाद उनका जो ग्रेड है वो सडनली ड्रॉप होंगे। उसके बाद सेकंड है हेल्थ इश्यूज, उनका कुछ एनर्जी बिल्कुल नहीं होंगे, वेट लॉस हो सकता है या फिर वेट सडनली गेन हो सकता है। और आप जब देखेंगे सुबह उनका जो आई में रेड ये सब दिखाई देंगे, रेड आईज वगैरह। उसके बाद नेग्लेक्टेड अपीयरेंस मीन्स आप जब बच्चे को देखेंगे तो दुखी फेस होंगे, उनका क्लोथिंग में इतना अच्छा नहीं है, उनका ग्रूमिंग जो लुक्स है, पहले तो कपड़े वगैरह अच्छे से पहनते थे लेकिन सडनली वो कपड़े वगैरह भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और चेंज इन बिहेवियर, सडन चेंज मीन्स नो टॉकिंग, बातें नहीं कर रहे हैं, आइसोलेट में बैठ रहे हैं और रात को मिसिंग होता है, दोस्तों का साथ में गायब हो जाता है। और जो चेंज इन रिलेशनशिप विद फैमिली, जैसे आप अपना जो सिबलिंग्स है या फिर पेरेंट्स के साथ में जो रिलेशनशिप है वो सडनली चेंज हो जाता है। उसके बाद मनी प्रॉब्लम, सडनली आप देखा है तो आपका घर से पैसा जो है गायब हो रहा है या फिर आपका बच्चे जो है पैसा मांग रहा है विदाउट एनी जेन्युइन रीज़न। उसके बाद जो घर में जो कुछ आइटम्स हैं गायब हो रहा है क्योंकि उनको पैसा नहीं मिला है, तो वो कुछ कुछ चीज़ें लेके उसको सेल कर सकता है या फिर एक्सचेंज कर सकता है ड्रग में। तो इस तरह का जो सिचुएशंस आप जब देखेंगे बच्चे में, आप क्लोजली ऑब्जर्व करना है और उसको बातें करना है। अब देखते हैं कि पेरेंट्स क्या क्या कर सकता है अगर बच्चे ड्रग यूज़ कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको रिहैबिलिटेशन में जाने से पहले, रिहैबिलिटेशन आप फर्स्ट में इमीडिएटली नहीं जाना है, रिहैबिलिटेशन आप बच्चा को उधर फेंक दिया तो बच्चा रिकवरी नहीं भी हो सकता है और रिकवरी करके भी वापस आके फिर से कर सकता है। तो इसलिए सबसे पहले पेरेंट जो है बच्चा को बात करना है, उसको डिस्कस करना है, उनका प्रॉब्लम को आप उनको एहसास दिलाना है कि हम उनके लिए है। उनको आप चैट कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, हग कीजिए या उनका साथ में मस्ती कीजिए। तो इस तरह से आपका जो दोनों का जो गैप है उसको कम करना है। उसके बाद उसको मेडिकली जो डिटॉक्सिफिकेशन जो करते हैं उसको मेडिकल सुपरविज़न में कराइए, और उनका जो क्रेविंग है उनको डिमिनिश करने के लिए कोशिश करना है, अपना जो साथ में रखकर उनका अपना साथ में जो बिजी करा के उसका क्रेविंग को कम कर सकता है। उसके बाद उनका कोएग्जिस्टिंग मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकता है, अगर ऐसे है तो फिर साइकेट्रिस्ट का साथ में टच में रह के उनका ट्रीटमेंट कराना है। यानी कि आपका जो रिकवरी के लिए जो सपोर्ट जो स्ट्रक्चर है उसको आप प्लान करना है, अगर मेरा बच्चा रिकवरी हो रहा है तो किस तरह से होना है उसको आप प्लान करना है। आप देखते हैं हमारा सोसाइटी का क्या रोल हो सकता है, अगर कोई बच्चे जिस कॉलोनी में हम रहते हैं अगर उसमें कोई ड्रग यूजर्स है तो सोसाइटी का क्या रोल हो सकता है। सबसे पहले हमारा जो सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ड्रग एडिक्ट्स और ड्रग यूजर्स को, उसको ख़त्म करना है। उसके बाद जो हमारा माइक्रो सपोर्ट ग्रुप है उसको स्ट्रेंथनिंग करना है। जैसे हमारा कल्चर रहता है कि जिस कॉलोनी में हम रहते हैं उसमें एक सोसाइटी लिविंग होता है, हम एक दूसरे को टच में रहते हैं, अगर कुछ नेबर में कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ दिक्कत हो रहा है उसको हम लोग आगे आकर सपोर्ट करता है। अगर हम जब सोसाइटी ग्रुप में आकर उनको हेल्प करेंगे कि बच्चा को हम लोग काउंसलिंग करेंगे, बच्चा को सपोर्ट देंगे, तो क्या होता है कि वो उससे निकालने के लिए उनको ईजी होता है। उसके बाद पीयर सपोर्ट ग्रुप, इसको भी ऑप्शन हम लेना है, उनका जो दोस्तों का एक ग्रुप हो सकता है, जो अच्छा बच्चे हैं उनका जो कंटेम्प्रेरी जो बैच है वो भी उसको हेल्प कर सकता है, तो उससे भी उनको बहुत काफ़ी मॉरल बूस्ट होके वो उधर से निकालने के लिए उसको हेल्प करेंगे। उसके बाद जो NGOs हम बना सकते हैं, ऐसे तो हमारा स्टेट में काफ़ी NGOs है कि इस तरह से सपोर्ट बना के हेल्प कर रहे हैं। इवन हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी ड्रग फ्री अरुणाचल एप्स है, उसको हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उससे भी हम लोग काफ़ी लोगों को हेल्प कर सकता है। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, यू कैन प्रेस ए सब्सक्राइब बटन ताकि आपको इस तरह से वीडियो मिलते रहे। The bottom line is everyone
has to struggle in life, either internal or external struggle. लेकिन किसी किसी को struggle को handle करना आता है और किसी को नहीं आता है. और जो नहीं आता है वो इस तरह से drug का सहारा लेना पड़ता है. But everyone deserves greatness. We deserve everything we wish for ourselves. But nothing comes easy. You have to fight it out. It is okay to be in dark phase in life. But हम हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि हर अंधेरी से अंधेरी रात का भी सुबह जरूर होती है. So friends, till our next video on COVID education, stay safe and stay at home. Jai Hind, Jai Bharat.